हेलो एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे सॉर्टिंग के बारे में। ओके, तो सॉर्टिंग क्या होती है? बेसिकली अगर आपको कोई नंबर्स दिया हुआ, सेट ऑफ नंबर्स, उसको या तो असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करेंगे, इसी को क्या कहते हैं सॉर्टिंग। तो बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक होती है, तो सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे बबल सॉर्ट। उसके बाद बहुत सारी जो है आपकी सॉर्टिंग टेक्निक है, बबल सॉर्ट, देन आपका सेलेक्शन सॉर्ट, इंसर्शन सॉर्ट, मर्ज सॉर्ट, क्विक सॉर्ट, काउंटिंग सॉर्ट एंड सो ऑन। बहुत सारी सॉर्टिंग टेक्निक है, तो हम लोग वन बाय वन सारी सॉर्टिंग टेक्निक को डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो में जो हम लोग डिस्कस करेंगे वो क्या आपका बबल सॉर्ट। ओके, तो सबसे पहले क्या डिस्कस करेंगे? बबल सॉर्ट। बबल सॉर्ट, ओके। तो बबल सॉर्ट बेसिकली क्या है? सपोज दैट अगर आपकी एक एरे गिवन है, फॉर एग्जांपल जैसे दिया हुआ 4, देन 1, देन दिया हुआ सपोज दैट 5, देन दिया हुआ 6, देन दिया हुआ आपका 2। सपोज दैट ये क्या आपकी एक एरे है, ये एरे है, ओके। ये एरे में ये एलिमेंट्स प्रेजेंट है 4, 1, 5, 6, 2। तो टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इसमें कितने हैं? एन, विच इज इक्वल्स टू 5। अब क्या करना है, इस पर हमें बबल सॉर्ट अप्लाई करना है। तो बबल सॉर्ट की पहले बेसिक अंडरस्टैंडिंग देखेंगे कि किस तरीके से ये वर्क करता है, इसकी वर्किंग देखते हैं, उसके बाद फिर इसका कोड देखेंगे और कोड के थ्रू इसको रिलेट करेंगे। ओके, फिर इसके बाद इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे कि इसकी बेस्ट केस और वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है। ओके, तो यहाँ के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या हैं आपके? 5। अब बबल सॉर्ट का मतलब क्या है? सिंपली हम जो जो आपका फर्स्ट एलिमेंट है उसको एज्यूम करें ये आपका बबल है। ओके, तो बबल सॉर्ट का मतलब सिंपली क्या है कि आपका ये एट्रेशन कंप्लीट होने के बाद बबल सॉर्ट में जैसे ही आपका फर्स्ट पास कंप्लीट होगा उसमें क्या होगा, जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू होगी, एरे की मैक्सिमम वैल्यू क्या आपकी 6, तो ये क्या होगा आपका लास्ट पोजिशन पर आपका प्लेस हो जाएगा। क्योंकि इसकी क्या है, इसकी एग्जैक्ट पोजिशन क्या है, एरे में टोटल 5 एलिमेंट, तो 6 क्या होगा सबसे लास्ट में आएगा, 5 उसके पहले आएगा, 4 उसके पहले आएगा, उसके बाद 2 आएगा, देन स्टार्टिंग में 1 आएगा, यही इसका रिजल्ट आएगा। ओके, तो सिंपली क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे, इस एलिमेंट से कंपेयर करेंगे, यानी 4 और 1 को कंपेयर करेंगे। अगर आपका ये वाला एलिमेंट इससे बड़ा है तो क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में एक्सचेंज कर देंगे। तो क्या आ जाएगा, 1, 4, ये क्या आपका 5, 6, 2 एज इट इज आ गया। अब नेक्स्ट आपका बबल एलिमेंट क्या हो जाएगा, 4। ओके, तो जो बबल एलिमेंट होगा उसके बाद, और ये बबल एलिमेंट क्या होगा, राइट साइड शिफ्ट होता जाएगा, और सिंपली क्या करेंगे, इसको नेक्स्ट एलिमेंट से क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे। ओके, तो 4 और 5, तो इसमें क्या है आपका 4 और 5 एज इट, यानी क्या है, 4 जो है 5 से छोटा है, तो इसकी जो है इसमें इन दोनों की वैल्यू को एक्सचेंज नहीं करेंगे। जब आपका जैसे यहाँ 4 और 1 था, तो अगर इन दोनों में जो, अगर मान लो ये 4 आपका ग्रेटर है 1 से, तो 4 को क्या करेंगे, इसके राइट में लिख देंगे और इसको इसको, यानी दोनों को स्वैप कर देंगे। लेकिन यहाँ क्या है आपका, यहाँ 4 और 5, तो 5 बड़ा तो एज इट इज़ यहाँ रहेगा, तो नेक्स्ट एलिमेंट यही रहेगा। अब उसके बाद नेक्स्ट पास में क्या हो जाएगा, 4, 5 आपका क्या हो जाएगा, बबल 6 एंड 2। ओके, उसके बाद क्या होगा, अब क्या करेंगे, इस एलिमेंट को इससे कंपेयर करेंगे। तो यहाँ क्या है 5, यहाँ क्या है 6, तो सिंपली क्या होगा, यहाँ भी कोई भी स्वाइपिंग नहीं होगी, तो सिंपली नेक्स्ट पास में क्या आएगा, 1, 4, 5, और ये क्या हो जाएगा आपका 6, यहाँ क्या हो जाएगा 2। तो अब आपका क्या होगा, बबल एलिमेंट क्या हो जाएगा 6। तो अब क्या करेंगे, 6 को 2 से कंपेयर करेंगे। तो जब 6 और 2 को कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, ये दोनों आपस में चेंज हो जाएगा। तो यहाँ क्या आ जाएगा 2, और यहाँ क्या हो जाएगा आपका 6, तो क्या हो जाएगा 1, 4, 5, 2, 6, तो ये क्या हो जाएगा आपका लास्ट में। अब इसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो ये क्या हुआ आपका लास्ट यही हो गया। तो इसका मतलब ये, इसको कहते हैं फर्स्ट पास, यानी पास क्या है, पास विच इज, यानी फर्स्ट पास में जो है, जो आपका एरे में मैक्सिमम एलिमेंट होगा वो अपनी एक्चुअल पोजिशन पर चला जाएगा। तो मैक्सिमम एलिमेंट की एक्चुअल पोजिशन क्या होगी आपकी, लास्ट में, क्यों, क्योंकि हम इसको जो हम क्या नाम है, जब हम इसको सॉर्ट कर रहे हैं, तो ये आपका जो रिजल्ट आएगा यानी आउटपुट वो क्या होगा, असेंडिंग ऑर्डर में। ओके, तो यानी ये फर्स्ट पास में ये कंप्लीट होगा। अब क्या करेंगे, फिर से ये रिपीटेशन करेंगे। और हाँ, बबल सॉर्ट जो होता है वो बहुत ही ईजी टॉपिक है, और साथ ही साथ थोड़ा इरिटेटिंग है। इरिटेटिंग क्यों है, क्योंकि बहुत ही लेंदी प्रोसेस है, क्योंकि ये क्या होगा आपको, अगर एग्जाम में पूछेगा तो बार बार ये चीज़ लिखनी पड़ेगी, तो बहुत सारी चीज़ें इसमें लिखनी पड़ती हैं, क्यों, क्योंकि वही चीज़ सेम टू सेम रिपीट कर रहे हैं, तो इसलिए थोड़ा इरिटेशन हो सकती है। तो अब सपोज दैट, अब क्या है, नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका 1, 4, 5, 2 एंड 6। तो 6 आपका एग्जैक्ट पोजीशन पे चला गया, तो यहाँ हम कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करेंगे, यानी एरे के एक एलिमेंट को हम क्या करेंगे, मतलब कंसिडर नहीं करेंगे, सिर्फ कहाँ तक डिस्कस करेंगे, यहीं तक। यानी अब नेक्स्ट ऑपरेशन का मतलब क्या है, नेक्स्ट पास में हम क्या करेंगे, जो अब आपकी जो बची हुई एरे है उसमें कितने एलिमेंट हैं, 4, उसमें जो मैक्सिमम एलिमेंट है वो क्या आएगा आपके 4th लोकेशन पे। ओके, यानी जो सबसे लास्ट एलिमेंट होगा, क्योंकि ये तो अपनी एक्चुअल पोजीशन पे चला गया। अब इसके साथ कोई भी कंपैरिजन या स्वैपिंग नहीं करेंगे, क्योंकि इसको हमें करने की रिक्वायरमेंट ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे चला गया। अब नेक्स्ट मैक्सिमम कहाँ आएगा आपका, इस पे 4th एंड, यानी अगर ये आपका 1st, 2nd, 3rd, 4th प्लेस पे आपका पहुंचेगा, तो क्या होगा आपका, अब फर्स्ट आपका क्या होगा, बबल, यानी ये पास 2 है। ओके, तो ये आपका बबल एलिमेंट है, 1 और 4 को कंपेयर करेंगे तो क्या है,
वन जो है फोर से छोटा है, तो यही सेम आएगा, वन फोर फाइव और टू, सिक्स एज इट इज़ है यहाँ पे, ओके। और इसको हम जो है टच नहीं करेंगे, तो फोर क्या हो जाएगा, अब आपका बबल हो जाएगा। तो अब क्या करेंगे, फोर और फाइव को कंपेयर करेंगे, तो फोर और फाइव को जब कंपेयर करेंगे तो फाइव क्या आपका ग्रेटर है, तो नेक्स्ट क्या आएगा, रिजल्ट यही आएगा और बबल एलिमेंट फाइव हो जाएगा, ओके। टू यहाँ है, सिक्स ऐसे एज इट इज़ रहने देंगे। ये लाइन इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये एलिमेंट अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है। अब क्या करेंगे, फाइव और टू से कंपेयर करेंगे, तो फाइव और टू से जब इसको कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, फाइव इज़ ग्रेटर देन टू है, ओके। तो क्या होगा, ये दोनों आपस में स्वैप हो जाएगा, तो क्या आ जाएगा, वन फोर टू, और यहाँ क्या हो गया, फाइव, और इधर सिक्स है ही, ओके। उसके बाद क्या हो जाएगा आपका लास्ट में बबल एलिमेंट क्या हो जाएगा, फाइव। इसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं होगा, क्यों, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, एरे की साइज़ को वन बाई वन रिड्यूस कर रहे हैं, यहीं तक हम सारे ऑपरेशंस करेंगे। इसको करने की ज़रूरत नहीं है, क्यों, यहाँ से कंपैरिजन का कोई मतलब ही नहीं, क्यों, क्योंकि ये अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पर पहुँच चुका है, तो अब इसमें कोई भी चेंजेस करने की रिक्वायरमेंट नहीं। तो फाइव क्या होगा आपका लास्ट, अब क्या हो जाएगा नेक्स्ट पास में, यानी ये क्या था आपका पास टू, ओके। तो पास टू में क्या हो रहा है, फाइव अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पर पहुँच, यानी ये आपका लास्ट के दो एलिमेंट क्या हो गए, सॉर्टेड हो गए। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट पास में क्या करेंगे, वन फोर टू ले लिया नेक्स्ट, यानी पास विच इज इक्वल्स टू थ्री, ओके। तो कौन कौन से एलिमेंट आ रहे हैं, वन फोर टू फाइव सिक्स, तो वन फोर टू फाइव एंड सिक्स, तो ये अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे चले गए, तो इसको हम टच नहीं करेंगे, ओके। तो पास थ्री में क्या होगा आपका, ये आपका बबल एलिमेंट है, इसको क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, तो वन और फोर, तो रिजल्ट क्या आएगा, वन फोर टू, और ये क्या आपका फाइव सिक्स, ओके। अब क्या है, नेक्स्ट बबल एलिमेंट क्या हो जाएगा आपका फोर, ओके। तो नेक्स्ट बबल एलिमेंट जब आपका फोर हुआ तो क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे, तो फोर इज ग्रेटर देन टू है, तो ये दोनों वैल्यू आपस में क्या हो जाएगी, स्वैप हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा, वन टू एंड फोर, और ये आपका क्या हो जाएगा, बबल एलिमेंट, फाइव सिक्स एज इट इज़ यहाँ रहेगा। अब क्या है, इसके बाद कोई भी एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट लेकिन ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है, ओके। अब इसको कोड से एक्सप्लेन करेंगे तो चीज़ें और क्लियर होंगी कि किस तरीके से इसको इंप्लीमेंट करेंगे। तो अब ये, यानी ये आपका क्या हो गया, लास्ट एलिमेंट है, तो फोर अपनी एग्जैक्ट लोकेशन पे पहुंच चुका है, इस एग्जैक्ट प्लेस पे, तो अब इसके बाद कोई भी कंपैरिजन या स्वैपिंग नहीं होगी। ये पास थ्री हो गया। अब पास फोर में क्या करेंगे, आपका क्या है, वन टू फोर फाइव सिक्स, यहाँ तक क्या हुआ, ये आपकी सॉर्टेड एरे है, ओके। अब क्या करेंगे, नेक्स्ट एलिमेंट क्या होगा आपका, ये होगा, ओके। तो नेक्स्ट एलिमेंट क्या करेंगे, इसको इससे कंपेयर करेंगे, तो क्या है आपका, वन इज लेस देन टू, इसका मतलब ये वैल्यू ग्रेटर नहीं, तो इसका मतलब नेक्स्ट क्या हो जाएगा आपका, वन टू फोर फाइव सिक्स, तो नेक्स्ट आपका बबल एलिमेंट क्या होगा आपका, टू। तो ये क्या है आपका, ये भी अपनी एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंच चुका है, तो इसका मतलब क्या है, इसको फिर रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से कंपेयर करने की जरूरत नहीं, तो रिजल्ट यही आ जाएगा। अब क्या आ जाएगा आपका, फाइनली जो रिजल्ट आएगा क्या आएगा, वन टू फोर फाइव सिक्स, तो इसका मतलब ये क्या है आपके, सॉर्टेड हो गए। अब लास्ट में क्या बचा आपका, सिर्फ एक ही एलिमेंट बचा, तो अब क्या होगा, ये जब आपका लास्ट एलिमेंट, लास्ट का एलिमेंट का मतलब ये आपका जब एक एलिमेंट मिलेगा तो इसको सॉर्ट करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ हमें फोर पास की रिक्वायरमेंट होगी अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स फाइव है। इसमें लास्ट में क्यों हो रहा है, क्योंकि देखो जैसे यहाँ क्या था आपका, ये आपका लास्ट बबल एलिमेंट मिल गया, तो इसके बाद हमें इसको नेक्स्ट किसी से कंपेयर करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ क्या था आपका, ये दो एलिमेंट, यानी ये लास्ट आपका बबल एलिमेंट हो गया, तो फिर नेक्स्ट हम कोई भी जो है ऑपरेशन परफॉर्म नहीं कर रहे थे। वही सेम चीज़ यहाँ क्या हो गई, अब आपका क्या, लास्ट क्या हो गया, बबल एलिमेंट क्या हो गया, फोर, तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फोर फाइव सिक्स सॉर्टेड हो गए, इसको फिर, तो ऐसे ही जैसे ही आपका लास्ट एलिमेंट ये बबल हुआ तो क्या होगा, नेक्स्ट कोई भी ऑपरेशन नहीं होगा। तो यहाँ जैसे ही आएंगे, जैसे ही फर्स्ट यानी आपका पहला एलिमेंट बबल एलिमेंट हुआ, तो अब हमें फिर फर्दर इसको जो है कंपैरिजन या स्वैपिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट, अगर एरे में टोटल कितने हैं फाइव, तो नंबर ऑफ पास कितने होंगे, नंबर ऑफ पास कितने हो जाएंगे, फाइव माइनस वन, दैट मीन्स एन माइनस वन, ओके। नंबर ऑफ अगर एलिमेंट्स आपके एरे में फाइव है, तो टोटल कितने पास आ रहे हैं आपके, फोर पास, यानी फोर टाइम इसको आइटरेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट पास में टोटल कितने कंपैरिजन हो रहे हैं, वन टू थ्री फोर फाइव, यानी इसको इससे कंपेयर किया, नेक्स्ट इसको इससे कंपेयर किया, इसको इससे, इसको इससे, और लास्ट में इसका कंपैरिजन नहीं हो रहा। तो इसका मतलब अगर टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एरे में हैं, तो कितने कंपैरिजन हो रहा है आपका, वन कंपैरिजन, टू कंपैरिजन, थ्री कंपैरिजन, फोर कंपैरिजन, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट आइटरेशन में कितने कंपैरिजन हो रहे हैं, वन टू थ्री, क्योंकि ये आपका एग्जैक्ट पोजीशन पे चला गया। तो इसका मतलब क्या है, इसके कंपैरिजन, यानी जब आपका एरे में टोटल फाइव एलिमेंट्स थे, तो फर्स्ट पास में कितने कंपैरिजन होते हैं, फोर, ओके। और उसके बाद नेक्स्ट पास में कितने कंपैरिजन हो रहे हैं, थ्री, नेक्स्ट पास में कितने हो रहे हैं, टू, यानी एक कंपैरिजन यहाँ हुआ, एक कंपैरिजन यहाँ हुआ, ओके।
उसके बाद क्या है, यहाँ कितने कंपैरिजन हो रहे हैं, ओनली वन, तो इसका मतलब नंबर ऑफ कंपैरिजन भी क्या होंगे, रिड्यूस होते जाएंगे जैसे जैसे पास जो है आपका बढ़ता जाएगा। खैर अभी इसकी जब हम टाइम कॉम्प्लेक्सिटी डिस्कस करेंगे तो वहाँ इसका यूज़ करेंगे कि किस तरीके से हम नंबर ऑफ कंपैरिजन और नंबर ऑफ स्वैपिंग फाइंड आउट करेंगे और उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी कैसे डिस्कस करेंगे। तो अभी ये जो आपका आइटरेशन हुआ है इसको कोड के थ्रू क्या करेंगे, रिलेट करेंगे और कोड से समझते हैं इसको कि कैसे ये सारा वर्क हुआ है। ओके, सो आप देखते हैं बबल सॉर्ट का ये कोड लिखा हुआ है, इसके थ्रू कैसे इसका एग्जीक्यूशन होगा। ये आपके गिवन एरे वही सेम एरे 41562, इसको हमने बबल सॉर्ट एल्गोरिथम को क्या किया, ये एज ए इनपुट दिया नंबर ऑफ एलिमेंट्स और एरे आपकी है। ओके, ये क्या है, फॉर आई इज इक्वल्स टू जीरो, आई इज लेस देन एन माइनस वन एंड आई प्लस प्लस, और इसके अंदर दूसरा एक लूप है फॉर जे इज इक्वल्स टू जीरो, जे इज लेस देन एन माइनस वन माइनस आई। ये इंपॉर्टेंट समझें क्यों माइनस आई यहाँ कर रहे हैं। ओके, तो इसका क्या मतलब है, फॉर आई इज इक्वल्स टू जीरो, इसका मतलब आई ये क्या बता रहा है, आई इक्वल टू जीरो का मतलब ये लूप किसके लिए, पास के लिए, यानी पास फर्स्ट पास, जब आई की वैल्यू जीरो है तो फर्स्ट पास, आई की वैल्यू वन है तो नेक्स्ट पास वन, सेकंड पास, आई की वैल्यू थ्री है तो नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, तो ये आई बता रहा है क्या है कि कितने नंबर ऑफ पास, यानी कितने नंबर ऑफ कितने टाइम्स हमें, ठीक है, ये आपका आइट्रेशन करना पड़ेगा। उसके अंदर क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है आपका जो जे लूप है वो कितने एलिमेंट्स, यानी ये क्या है आपका कंपैरिजन और स्वैपिंग के लिए। ओके, तो क्या है, इसको वन बाय वन देखते हैं, एक आइट्रेशन इसको देखते हैं फिर चीज़ें थोड़ी और समझ जाएंगे। पहला ये आपका क्या होगा, पास, सपोज दैट ये आपका पास वन कब होगा, जब आई की वैल्यू जीरो होगी। ओके, आई की वैल्यू जब जीरो है तो इसका मतलब पास वन, तो ये आपका बबल एलिमेंट है। अब क्या करेंगे, ये आपका बबल एलिमेंट क्या है आपका, फिर आएगा ये आपने फर्स्ट पास सेलेक्ट कर लिया, उसके बाद क्या होगा, जे इक्वल टू जीरो, तो इसका मतलब जे क्या है आपका जीरो, ये इंडेक्सिंग है जीरो वन टू थ्री एंड फोर। ओके, जीरो टू फोर। ओके, जे इज इक्वल टू जीरो, जे इज लेस देन एन माइनस वन माइनस आई, उसके बाद इफ ए ऑफ जे, ए ऑफ जे दैट मीन्स दिस एलिमेंट इज ग्रेटर देन दिस एलिमेंट। ओके, ए ऑफ जे और ए ऑफ जे प्लस वन को कंपेयर करते हैं, यही फर्स्ट एलिमेंट सेकेंड एलिमेंट को कंपेयर किए, अगर 4 और 1 इन दोनों एलिमेंट को कंपेयर की, अगर इसकी वैल्यू ग्रेटर है, यानी जो आपकी जीरो थेंडे, यानी फर्स्ट वैल्यू, यानी जो बबल एलिमेंट है, अगर वो इससे ग्रेटर है तो दोनों क्या करते हैं आपस में स्वैप। तो स्वैप किस तरीके से करते हैं, ये स्वैप का कोड है, ये ऑलरेडी आई थिंक आपको पता होगा कि किस तरीके से स्वैपिंग होती है। सिंपली क्या करेंगे, ये जो आपका कोड है ये स्वैपिंग के लिए, क्या मतलब इस बात का, स्वैपिंग किस तरीके से करते हैं यहाँ देख लेते हैं। टेम्प, एक हमने वेरिएबल लिया टेम्प, तो टेम्प की वैल्यू क्या आपकी ए ऑफ जे, ए ऑफ जे मीन्स यानी ये आपका क्या पॉइंट कर रहा है, ये आपका जे है और ये क्या आपका जे प्लस वन, नेक्स्ट एलिमेंट जो जे प्लस वन है और ये क्या, तो ए ऑफ जे दैट मीन्स फोर, तो टेम्प में क्या आ गया आपका फोर आ गया, और ए ऑफ जे प्लस वन को कहाँ रख रहे हैं, ए ऑफ जे पे, तो ए ऑफ जे प्लस वन क्या आपका वन, तो यहाँ आ गया वन, और उसके बाद क्या हो जाएगा आपका, टेम्प की वैल्यू को ए ऑफ जे प्लस वन में स्टोर कर रहे हैं, तो टेम्प की वैल्यू कितनी है फोर, फोर की वैल्यू को ए ऑफ जे प्लस वन में स्टोर करा दी, इसका ये मतलब स्वैपिंग। आई थिंक ऑलरेडी आपको पता होगा 562, यानी फर्स्ट आइट्रेशन, यानी पास वन में फर्स्ट आइट्रेशन के बाद ये आउटपुट आया, तो अब क्या होगा फोर आपका क्या हो जाएगा नेक्स्ट, यानी पहले क्या था ये बबल एलिमेंट था, अब नेक्स्ट एलिमेंट ये बबल एलिमेंट होगा, नेक्स्ट क्या होगा जे की वैल्यू क्या हो जाएगी वन, तो इसका मतलब जे आपका बबल एलिमेंट, यानी जे क्या आपका लूप इंक्रीमेंट होगा, क्योंकि यहाँ जे की वैल्यू जीरो थी, ये ऑपरेशन परफॉर्म हुआ, फिर क्या हो जाएगा जे प्लस प्लस, जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, तो जे की वैल्यू कितनी होगी वन, तो ये आपका बबल एलिमेंट हो गया। इसको अब इससे कंपेयर करेंगे, ओके, तो अगर इसको इससे कंपेयर किया 4 इज ग्रेटर देन 5, कंडीशन क्या हो रही है फॉल्स, यानी ये ऑपरेशन एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो सिंपली जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो जाएगी, तो क्या हो जाएगा 1 4 5 6 2, अब बबल एलिमेंट क्या हो जाएगा ये, क्योंकि जे की वैल्यू अब क्या हो चुकी है 2, तो इसको इससे कंपेयर किए तो इसका मतलब ये वाली स्टेटमेंट जो है क्या होगी, ये कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, तो इसका मतलब ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो ये एग्जीक्यूट नहीं होगा, तो नेक्स्ट आइटरेशन क्या हो जाएगा 1 4 5 6 2, यही रिजल्ट लेगा, और आपका जो बबल एलिमेंट नेक्स्ट, क्योंकि जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई कितनी हो गई 3, तो जे की वैल्यू 3 हो गई, तो इसका मतलब ये वाला, तो ये लूप कब तक चलेगा, एन माइनस वन माइनस आई, तो एन की वैल्यू कितनी है 5 5 माइनस 1 माइनस 0 विच इज इक्वल्स टू 4, तो स्ट्रिक्टली लेस देन 3, इसका मतलब क्या है, यही लास्ट आपका लूप, उसके बाद क्या होगा आपका, इसको इससे कंपेयर किए, ए ऑफ जे और ए ऑफ जे प्लस वन एलिमेंट को कंपेयर किए, तो क्या हो रहा है आपका 6 इज ग्रेटर देन 2, कंडीशन ट्रू, तो कंडीशन ट्रू होगी तो आपस में क्या होगा एक्सचेंज होगा, तो क्या होगा 1 4 5 2 एंड 6। ओके, फिर जे की वैल्यू इंक्रीमेंट हो गई, तो जे की वैल्यू अभी करंटली कितनी 3, अब जे की वैल्यू कितनी हो जाएगी 4। ओके, जे की वैल्यू 4 है, इसका मतलब क्या हो जाएगा आपका, ये आपका बबल एलिमेंट हो जाएगा, तो फिर क्या जाएगा 4 इज लेस देन 4, कंडीशन फॉल्स, तो इसका मतलब ये है कि अब इसके बाद ये लूप एग्जीक्यूट नहीं होगा, क्योंकि इसके बाद कोई एलिमेंट है नहीं कंपेयर करने के लिए,
तो फर्स्ट पास में क्या हुआ, ये आपका लास्ट एलिमेंट जैसे ही बबल एलिमेंट हुआ, उसके बाद अगर आपका स्टॉप कर जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, ये आपका एग्जैक्ट पोजीशन पे पहुंच गया है। तो फर्स्ट पास में कितने कंपैरिजन हो रहे हैं, देखो इतने सारे कंपैरिजन हो रहे हैं, वो आपका क्या, पहले इसको इससे कंपेयर किया, देन इसको इससे, देन इसको इसके, देन टोटल कितने हो रहे हैं, 5 एलिमेंट है तो 4 कंपैरिजन, ओके। और अब देखते हैं नेक्स्ट पास, अब आपका 2, पास 2 में क्या था आपका, पास 2 दैट मीन्स आई इज इक्वल्स टू 1। यहाँ एक इटरेशन और देखते हैं और उसके बाद इसको रिलेट करते हैं, यहाँ माइनस आई का क्या मतलब है, और फिर ये आपका हर एक इटरेशन में जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू वो लास्ट लास्ट इंडेक्स पे पहुंच रही है वो कैसे आ रही है। अब आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, 1, यानी आई इंक्रीमेंट हुआ, ये लूप फिनिश हुआ, उसके बाद ये लूप आया, तो आई की वैल्यू 1 हो गई, तो आई की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो इसका मतलब यहाँ क्या होगा, अब आपका एन माइनस 1 माइनस आई, तो दैट मीन्स 5 माइनस 1 माइनस 1 बीच से कुछ कितना हो जाएगा, 3। इसका मतलब ये लूप यहीं तक चलेगा, यानी अब एक बार देख लेते हैं इसको, अभी क्या आपका 1 4 5 2 6, तो आपका जो क्या नाम है, जे की वैल्यू फिर से 0, यानी जे बार बार क्या हो रहा है, 0 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक चलेगा, लेस देन 3 तक, ओके। लेस देन 3 का मतलब यहाँ से इसको कंपेयर, ये आपका बबल एलिमेंट हुआ, तो 1 और 4 को कंपेयर किया तो क्या आएगा, 1 4 5 2 6 एज इट इज़ रहेगा। 4 अब नेक्स्ट बबल एलिमेंट हो गया, 4 को 5 से कंपेयर किया, एज इट इज़ रहेगा, ओके। नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या हुआ, 5 आपका बबल एलिमेंट हुआ, 5 इज़ ग्रेटर देन 2, कंडीशन 2, तो इसका मतलब स्वैप हो जाएगा, तो 1 4 ये क्या हो जाएगा, 2, और ये 5 है, ये 6 है, ओके। नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या होगा आपका, 5 जो है बबल एलिमेंट हो जाएगा, यानी जैसे ही जे की वैल्यू 3 हुई, ये क्या आपका इंडेक्स 0 है, ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 था, तो जे की वैल्यू कितनी हुई, 3, तो इसका मतलब यहाँ आए 3 इज़ लेस देन 3, कंडीशन क्या हो जाएगी, फॉल्स। इसका मतलब अब ये लूप एग्जीक्यूट, यानी इसको इससे कंपेयर नहीं करेंगे, ओके। तो इसको इसलिए जो है माइनस आई लिखा गया है, ताकि हम क्या करें, 1 बाई 1 इसको हम डिक्रीज करते जाएं, यानी जैसे ही आपका 6 यहाँ तक पहुँचे, तो नेक्स्ट कंपेरिजन कहाँ तक होगा आपका, 5 तक, नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ तक घटते चले जाएंगे, ओके। तो इस तरीके से ये काम करेगा। अब देखते हैं इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी के बारे में, कि जो आपका बबल सॉर्ट होता है उसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, बेस्ट केस में और वर्स्ट केस में, ओके। तो ये वर्स्ट केस का परफॉर्म करता है, आई थिंक कोड समझ में आ रहा होगा किस तरीके से ये आप काम करता है। अब सपोज अगर आपको एक इनपुट दिया है इस तरीके से, 5 4 3 2 1, फॉर एग्जांपल ये आपका कोड दिया हुआ, तो सबसे पहला ये आपका क्या हुआ, बबल एलिमेंट, ओके, बबल एलिमेंट हुआ, इसको क्या करेंगे, इससे कंपेयर करेंगे, ओके, इससे इसको कंपेयर किया तो क्या हुआ, ये आपका ग्रेटर है, ये क्या है आपका लेस है, तो क्या होगा आपस में, यानी ये आपका एग्जीक्यूशन होगा, यानी स्वैपिंग होगी, तो क्या आ जाएगा, 4 5 3 2 1, अब बबल एलिमेंट ये हो गया, फिर क्या करेंगे, 4 इसको इससे कंपेयर किया तो स्वैपिंग कितनी, स्वैप हो जाएगा दोनों, तो क्या आ जाएगा, 3 5 2 एंड 1, तो क्या हो रहा है ये आपका, ओके, बबल एलिमेंट, तो क्या हो जाएगा, 4 3, देन इसको इससे कंपेयर किया तो क्या होगा, ये भी छोटा है, यानी ये ग्रेटर है, तो ये दोनों आपस में एक्सचेंज हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, 5 एंड 1। नेक्स्ट आइट्रेशन में ये आपका बबल एलिमेंट हो जाएगा, तो 4 3 2, यहाँ 1 आ जाएगा और इधर आ जाएगा, इस आइट्रेशन में 5 आपका बबल होगा, लेकिन इसके बाद इसको कोई कंपैरिजन की ज़रूरत नहीं होगी। तो ये जब आई की वैल्यू क्या थी, 0, और पास आपका 1 था, यानी फर्स्ट पास में टोटल कितने कंपैरिजन हुए, इसको इससे कंपेयर किए, नेक्स्ट इसको इससे कंपेयर किए, इसको इससे कंपेयर किए, इसको इससे कंपेयर किए, तब जाके ये लास्ट इंडेक्स पे पहुंच गया, तो कितना आ रहा, 1 2 3 4, तो यानी टोटल कितने कंपैरिजन हो रहे हैं, 4। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं यहाँ पे, 5 एलिमेंट्स, तो जब 5 एलिमेंट से टोटल कंपैरिजन कितना हो रहा है, 4 कंपैरिजन। नंबर ऑफ स्वैपिंग कितनी हो रही, यहाँ क्या हो रहा है, हर एक आइटरेशन में स्वैप हो रहा है, यानी इसको इससे कंपेयर किया तो क्या हुआ, एक्सचेंज, इसको इससे कंपेयर किया, एक्सचेंज, इसको इससे कंपेयर किया, एक्सचेंज, इसको इससे कंपेयर किया, एक्सचेंज, तो टोटल कंपैरिजन कितना हो रहा है आपका, 4, और नंबर ऑफ स्वैपिंग कितनी हो रही, ये भी क्या हो रही, 4 स्वैपिंग भी हो रही है, ओके, 4 कंपैरिजन, 4 स्वैपिंग, यानी हर एक आइट्रेशन में क्या हो रहा है, कंपैरिजन तो आपका हर एक आइट्रेशन में हो, चाहे एरे किसी भी ऑर्डर में दियो, यानी एलिमेंट्स किसी भी ऑर्डर में दियो, लेकिन स्वैपिंग यहाँ इंपॉर्टेंट है। अगर आपका हर टाइम ये कंडीशन ट्रू हो रहा है तो क्या होगा, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका मतलब स्वैपिंग होगी, ओके। अगर तो ये कब होगी, जब आपका एरे ऑलरेडी क्या होगा, आपका सॉर्टेड ऑर्डर में होगा, लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, ये भी आपकी एरे सॉर्टेड ऑर्डर में है लेकिन रिवर्स ऑर्डर में, इसका आउटपुट क्या चाहिए, मैं असेंडिंग ऑर्डर, और इसको इनपुट क्या दिए हमें, आपका डिसेंडिंग ऑर्डर में, ओके। तो अगर आपकी इनपुट डिसेंडिंग ऑर्डर में है तो क्या होगा, ये आपका वर्स्ट केस परफॉर्म करेगा। अब नेक्स्ट आइट्रेशन में क्या करेंगे, फिर देखेंगे यहाँ से यहाँ तक, तो क्या हो रहा है, ये भी क्या होगा, तो यानी फर्स्ट आइट्रेशन में टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने आए हैं,
एन माइनस वन नंबर ऑफ कंपेरिजन प्लस एन माइनस वन नंबर ऑफ सॉरी ये एन माइनस वन नंबर ऑफ स्वैपिंग भी आ रही है. ओके, ये कंपेरिजन के लिए, ये स्वैपिंग के लिए. नेक्स्ट क्या होगा, अब ये आप एरे कितनी हो जाएगी आपकी, यानी माइनस आई से क्या होगा, ये डिक्री लास्ट वाले एलिमेंट से कंपेयर भी नहीं करेंगे ना, स्वैपिंग करेंगे. तो यहाँ क्या हो जाएगा, एन माइनस टू कंपेरिजन और एन माइनस टू स्वैपिंग. ओके, यानी थ्री कंपैरिजन होंगे, इसको इससे करेंगे, फिर इसको इससे, फिर इसको इससे, टोटल थ्री कंपैरिजन, थ्री स्वैपिंग, जब एन की वैल्यू फाइव है. ओके, लेकिन यहाँ अगर एन टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स एन है तो फर्स्ट आइटरेशन में क्या हो रहा है, फर्स्ट आइटरेशन का मतलब फर्स्ट पास में. ओके, एन माइनस वन नंबर ऑफ कंपैरिजन, एन माइनस वन नंबर ऑफ स्वैपिंग, फिर क्या हो जाएगा आपका एन माइनस थ्री प्लस एन माइनस थ्री प्लस एंड सो वन. सपोज है टू कंपैरिजन हो रहा है तो यहाँ टू स्वैपिंग होगी, देन वन कंपैरिजन हो रहा है तो वन स्वैपिंग होगी, यहीं जाके आपका स्टॉप हो जाएगा. तो अगर इसको केयरफुली देखेंगे तो यहाँ क्या आ रहा है, वन टू थ्री फोर एंड वन एन माइनस टू एन माइनस एन माइनस थ्री एन माइनस टू एन माइनस वन. तो इसका क्या है, सम ऑफ, अगर इनको सब अगर हम इसको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, सम ऑफ एन माइनस वन नेचुरल नंबर. तो क्या आ रहा है आपका, वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस एंड सो वन टिल एन माइनस वन. अगर इसको हम ऐड करेंगे तो सम ऑफ एन नेचुरल नंबर का क्या होता है, एन इंटू एन माइनस वन डिवाइड बाई टू. ये किसके लिए होता है, सम ऑफ एन नेचुरल नंबर के लिए. यहाँ एन माइनस वन है तो एन की जगह एन माइनस वन सब्स्टिट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगा आपका n माइनस वन, और यहाँ क्या आ जाएगा n माइनस वन तो क्या हो जाएगा n अपॉन टू. तो यहाँ आपका ये किसके लिए, कंपैरिजन के लिए, ये आपका स्वैपिंग के लिए भी वही सेम चीज़ आ रहा है, तो टू से मल्टीप्लाई कर देंगे. ओके, तो टू से टू कैंसिल हो जाएगा, विच इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस वन. तो जो लीडिंग टर्म होता है उसी को हम कॉम्प्लेक्सिटी के फॉर्म में लिखते हैं, यानी जो आपका मैक्सिमम, सपोज दैट अगर आपको इस तरीके से दिया हुआ है एन क्यूब प्लस थ्री एन स्क्वायर प्लस सिक्स. ओके, अगर ये दिया हुआ है तो सिंपली क्या करेंगे, इसको लिख देंगे बिग ओ ऑफ एन क्यूब. जो आपका मैक्सिमम पावर वाला जो है इनपुट साइज के फॉर्म में दिया जाएगा वही हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा, बिग ओ ऑफ एन स्क्वायर. तो ये होती है आपकी बबल सॉर्ट की, जो होती है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी क्या होती है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. कब कब, जब आपका इनपुट क्या होगा, आपका रिवर्स ऑर्डर में गिवन होगा. ओके, तो इसको भी क्या कह सकते हैं, ये आपको कह सकते हैं कि ये वर्स्ट केस, वर्स्ट केस परफॉर्मेंस का मतलब ये स्टेटमेंट हमेशा क्या होगा आपका, ट्रू होगा, और ये स्वैपिंग हमेशा क्या होगी आपकी, ट्रू. यानी स्वैपिंग हर एक आइटरेशन में क्या होगा, स्वैपिंग होगी. वो कब होगा, जब आपका एरे रिवर्स ऑर्डर में होगा. ओके, तो ये स्टेटमेंट अगर हर बार एग्जीक्यूट हो रहा है, इसका मतलब ये क्या हो रहा है, ये पूरा पूरा एल्गोरिथम एग्जीक्यूट हो रहा है, और क्या हो रहा है, ये वर्स्ट केस परफॉर्म कर रहा है. ओके, अब देखते हैं इसकी बेस्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी. ओके, तो अब बेस्ट केस कब परफॉर्म करेगा, सपोज अगर आपका इनपुट ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है. ये हमने अज्यूम कर लिया कि ये क्या आपका 1 2 3 4 5. ओके, ये आपका इनपुट गिवन है. अब इस पर अगर बबल सॉर्ट अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसमें फर्स्ट पास में यानी आई की वैल्यू जब जीरो, ये क्या हो जाएगा, इसको इससे कंपेयर किए तो क्या हो जाएगा, ये आपका, ये मान लो सपोज ये आपका बबल एलिमेंट है, तो 1 एंड 2 3 4 5 एज इट इज़ यही रिजल्ट आएगा. अब क्या होगा, ये आपका बबल एलिमेंट हो गया. फिर इसको इससे कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, वन टू, यानी कोई भी यहाँ स्वैपिंग नहीं हो रही है, फोर एंड फाइव. ओके, फिर नेक्स्ट आइटरेशन में क्या आ जाएगा, वन टू थ्री फोर एंड फाइव, ये बबल एलिमेंट हो गया. नेक्स्ट आ जाएगा वन टू थ्री फोर एंड फाइव. तो यहाँ अगर देखेंगे, ये इनपुट ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर होते हुए भी हमें नंबर ऑफ कंपेरिजन कितने करने पड़ रहे हैं, टोटल फोर कंपेरिजन, अगर एन की वैल्यू यहाँ फाइव होते, यानी एन माइनस वन नंबर ऑफ कंपेरिजन हो रहा है फर्स्ट आइटरेशन, या फर्स्ट पास में. जब यहाँ फर्स्ट पास है, आई की वैल्यू जीरो है, तो ये फर्स्ट पास है, तो इसमें क्या हो रहा है, एन माइनस वन कंपेरिजन हो रहा है. क्यों? क्योंकि सेम वही एल्गोरिथम आपका काम कर रहा है. नेक्स्ट क्या हो जाएगा, अब आई की वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, वन हो जाएगी, फिर से यही. अब यहाँ इसको करेंगे, सिंपली क्या हो रहा है, इसमें सिर्फ आपका स्वैपिंग नहीं हो रही लेकिन कंपेरिजन हो रहा है. तो फर्स्ट आइटरेशन में एन माइनस वन कंपेरिजन होगा, नेक्स्ट क्या होगा, एन माइनस टू कंपेरिजन होगा, नेक्स्ट क्या होगा, एन माइनस थ्री एंड सो ऑन टिल वन कंपेरिजन. कंपेरिजन तो होता ही है, हो ही रहा है. ओके, तो अगर इसको ऐड करेंगे तो क्या, सम ऑफ एन माइनस वन नेचुरल नंबर, तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, एन 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 माइनस वन इंटू एन अपॉन टू. ओके, विच इज इक्वल्स टू एन स्क्वायर माइनस एन डिवाइड बाई टू, ये हो जाएगा. तो एन स्क्वायर क्या है, लीडिंग टर्म है, तो चाहे आपका कांस्टेंट हो या कुछ भी दिया हो उससे मतलब नहीं, सिंपली क्या हो जाएगा, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. तो चाहे आपका इनपुट आपका ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में हो या रिवर्स ऑर्डर में, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी की आ रही है, ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर. बस इसमें क्या हो रहा है, आपका स्वैपिंग नहीं हो रही है. ओके, तो ऑर्डर ऑफ एन स्क्वायर तब भी आ रहा है. लेकिन अगर इसमें हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन कर दें, जो आपका ये एल्गोरिथम गिवन है, इसमें अगर थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे तो क्या होगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी रिड्यूस हो जाएगी. कैसे, जो ये आपका लूप है, देखो ये एक बार हमने आइटरेट कर लिया, यानी आई इक्वल टू जीरो पर, तो इससे क्या हमें पता चला, इससे ये पता चला कि यहाँ कोई भी स्वैपिंग नहीं आ रही है. ओके, सिर्फ कंपैरिजन हो रहा है. तो बाकी रेस्ट ऑफ द एलिमेंट से कंपैरिजन करने की क्या रिक्वायरमेंट है, क्योंकि हमें ये पता चल गया है कि जो भी आपका
इनपुट गिवन है, इसमें कोई भी स्वैपिंग नहीं हो रही, इससे क्या कंक्लूड कर सकते हैं? कंक्लूजन ये हो सकता है कि ये ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है. ओके, तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ हम एक वेरिएबल ले लेंगे, सपोज दैट फ्लैग वेरिएबल ले लिया. फ्लैग की वैल्यू क्या कर दी, 0 इनिशियलाइज कर दी. ओके, ये आपका एक इंटीजर वेरिएबल है जिसमें फ्लैग की वैल्यू, कोई भी वेरिएबल हो सकता है, एक्स वाई जेड कोई भी आप इसका नेम दे सकते हैं, लेकिन फ्लैग हम ले रहे हैं. फ्लैग की वैल्यू क्या हो गई, 0. तो अगर यहाँ कोई भी ऑपरेशन, यानी ये आपका स्टेटमेंट क्या होगा, यहाँ आके कंडीशन चेक होगी, लेकिन ये ऑपरेशन परफॉर्म नहीं हो रहा है. यहाँ देखो कहीं भी कोई भी स्वैपिंग नहीं हो रही, इसका मतलब इफ़ वाला जो कंडीशन है वो कभी ट्रू हो ही नहीं रहा. तो सिंपली क्या करेंगे, यहाँ फ्लैग विच इज़ इक्वल्स टू, यहाँ क्या कर देंगे, 1. इसका क्या मतलब है, इनिशियली फ्लैग की वैल्यू क्या आपकी, 0. जब फ्लैग की वैल्यू 0 है और ये अगर आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हुआ फर्स्ट पास के बाद, फर्स्ट पास के बाद अगर ये आपका स्टेटमेंट एग्जीक्यूट नहीं हो रहा तो फ्लैग की वैल्यू कभी 1 नहीं हुई. फ्लैग की वैल्यू 1 होने का क्या मतलब है, कहीं ना कहीं स्वैपिंग हो रही, क्योंकि ये कंडीशन आपका एग्जीक्यूट हुआ उसके जस्ट बात क्या कर दिया, फ्लैग इक्वल टू 1 कर दिया. ओके, जो वेरिएबल है उसकी वैल्यू को मॉडिफाई कर दिया. क्या इस पर्टिकुलर एग्जाम्पल, यानी जो आपका इनपुट है उस पर ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, स्वैपिंग नहीं, तो इसका मतलब फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं होगी. ओके, तो फर्स्ट आइटरेशन के बाद आई की वैल्यू 0 जब थी तो ये आइटरेट हुआ, सारा जे 1 टाइम चला. उसके बाद क्या करेंगे, इस लूप को क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे. तो यानी इस लूप का मतलब ये कहाँ है, यहाँ पे. इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ लिख देंगे इफ सी, यानी इस लूप के बाद है. ओके, ये लूप जो फिनिश हुआ, यानी इस लूप के, इस लूप को हम ब्रेक करना चाह रहे हैं. ये जो आपका पास वाला लूप है उसको ब्रेक करने के लिए हम स्टेटमेंट यहाँ लिख रहे हैं, इफ फ्लैग विच इज़ इक्वल्स टू इक्वल्स टू, अगर 0 है. ओके, अगर इसकी वैल्यू 0 ही है, इसका मतलब कोई भी स्वैपिंग नहीं हुई है फर्स्ट पास के बाद. हमने क्या ये, यानी फर्स्ट पास के बाद हम इसको इस कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं कि इसमें कोई भी ऑपरेशन ऐसा नहीं हुआ जिससे क्या हुआ, आपकी स्वैपिंग हुई है. तो फ्लैग की वैल्यू एज इट इज 0 ही है, तो सिंपली क्या करेंगे, इसको ब्रेक कर देंगे. ओके, तो जैसे ही ब्रेक करेंगे तो ये लूप क्या होगा, एक ही बार आपका आई की वैल्यू 0, जैसे इसका मतलब क्या होगा, आई की वैल्यू दोबारा इंक्रीमेंट नहीं, क्योंकि यहाँ क्या हो रहा है, ये लूप क्या हो रहा है, ब्रेक कर देंगे. तो इसका ये मतलब हुआ कि ये सिर्फ एक पास कंप्लीट करेगा आई इक्वल टू 0, आई इक्वल टू 1 तक ये पहुँचेगा नहीं, क्योंकि ये लूप क्या हो रहा है आपका, ब्रेक. क्योंकि फ्लैग की वैल्यू इनिशियली हमने किया है 0, तो ये अगर इसकी वैल्यू 0 ही रह रही है, इसका मतलब फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं हुई है. तो जब फ्लैग की वैल्यू 1 नहीं है तो क्या है, फ्लैग की वैल्यू 0. फ्लैग की वैल्यू का 1 का मतलब वहाँ कोई भी स्वैपिंग नहीं हुई, तो इसका मतलब हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि इनपुट ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है. तो अगर इनपुट ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में है तो नेक्स्ट हमें आइटरेशन करने की ज़रूरत नहीं है, आई इक्वल टू 1 पे हमें करने की ज़रूरत नहीं है. तो टोटल नंबर ऑफ कंपैरिजन कितने हो रहे हैं, n-1. ओके, तो यही क्या हो जाएगा, इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विच इज इक्वल्स टू बिग ओ ऑफ n. तो ये क्या हो जाएगा आपका, थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करने के बाद, ये सिर्फ उसी के लिए है जब आपका इनपुट ऑलरेडी सॉर्टेड ऑर्डर में. लेकिन अगर आपका सॉर्टेड ऑर्डर में नहीं है, फॉर एग्जाम्पल ये आ गया 0, ओके, तो इस आइटरेशन में क्या होगा, यहाँ स्वैपिंग हो जाएगी. जब ये आपका, सपोज दैट ये क्या था आपका 0 है, तो नेक्स्ट आइटरेशन में क्या होगा, इसको इससे कंपेयर किए तो 2 इज़ ग्रेटर देन 0, इसका मतलब क्या होगा, 0 यहाँ आ जाएगा, 2 यहाँ आ जाएगा. ओके, तो ये क्या हो जाएगी, स्वैपिंग. तो फ्लैग की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1. तो फ्लैग की वैल्यू 1 हो जाएगी, तो लूप से बाहर जब आएंगे तो फ्लैग इक्वल टू 1 है, तो इसका मतलब ये लूप ब्रेक नहीं होगा, वो आइटरेट करता रहेगा. ओके, तो ये था आपका बबल सॉर्ट, और बबल सॉर्ट की टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, बबल सॉर्ट का ये एल्गोरिथम है. तो अब नेक्स्ट हम लोग वीडियो में डिस्कस करेंगे जो अपकमिंग सॉर्टिंग टेक्निक है, चाहे वो आपका सिलेक्शन, मतलब जो भी आपकी सॉर्टिंग टेक्निक है, वो नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे. ओके.